बुरहानपुर जिले के समस्त वन कर्मचारी संगठनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने डीएफओ अनुपम शर्मा का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है डीएफओ अच्छे अधिकारी है, उन्हें बुरहानपुर में ही पदस्थ किया जाए। अनुपम शर्मा वनों की कटाई पर लगाम लगाने वाले अधिकारी है। पहली बार जिले में अतिक्रमणकारियों पर जो कार्रवाई की गई वो पहले कभी नहीं हुई, इसलिए जिले को ऐसे अधिकारी की जरूरत है। कर्मचारियों ने 15 दिनों में ट्रांसफर वापस करने की मांग कही है। वन मंडल अधिकारी महोदय श्री अनुपम शर्मा जी का स्थानांतरण कर दिया गया, बल्कि उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ज़्यादा अल्पकालीन रहा है और अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत जोशीले तरीके से कार्य किया और वे अधिकारी एक निष्ठावान, एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार अधिकारी और साथ में हमारे कर्मचारी को साथ में लेकर के चलने वाले अधिकारी हैं। और ऐसे अधिकारी का जिस समय की बुरहानपुर की जो समस्या अभी व्याप्त है, इस बुरहानपुर के अंदर जो वन माफियों का जितना दबाव पड़ा है, वो दबाव के अंदर आकर के और काम करना सही तरीके से और उनके ऊपर दबाव डाल के उनको पीछे धकेलना, और ऐसे धकेलने के समय पर एक हमारे कर्मचारियों में जो ऊर्जा जागी है उसके बाद में अचानक से उस अधिकारी को यहाँ से ट्रांसफर कर देना, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल गिराने वाली काम है। अगर हमारा ये स्थानांतरण अगर नहीं रुकता है तो हम लोग हमारे बस्ते जमा करके क्रमिक हड़ताल करेंगे।